दीप की पंजाबी सोई में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि घर पर आलू डालकर कढ़ी कैसे बनाते हैं। आपने पकौड़े वाली कढ़ी तो बहुत खाई होगी, आज हम आपको बताएंगे कि आलू डालकर कढ़ी कैसे बनती है। आइए हम आपको उसकी सामग्री बताते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम दही लिया है जो मैंने जग में डाला है। 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है, अच्छे से छान कर रख लिया है मैंने इसे। और थोड़ी सी मैंने इमली ली है, उसको मैंने भिगो कर रखा है। अदरक लिया है, यहाँ पर लंबाई में काट लिया है इसको मैंने। लहसुन लिया है, वो भी मैंने लंबाई में काटा है। और प्याज को भी मैंने लंबाई में काटा है, 2 से 3 मैंने प्याज लिए हैं। और 3 मैंने आलू लिए हैं जो मैंने ऐसे इतने टुकड़ों में काट लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अजवाइन, काली मिर्च जो मैंने पीस ली है, जीरा, आमचूर पाउडर, थोड़े से मैंने मेथरे लिए हैं, और हरी मिर्च जो मैंने भी काट ली है। अब हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। जो मैंने दही लिए है, पहले हम इसे अच्छे से मैच कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। ये दही है जो मैंने अच्छे से मैच कर लिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। और इसमें बेसन डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दही और बेसन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि कढ़ी कैसे बनती है। ये देखिए मैंने पतीला जो गैस पर चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 1.5 कड़छी ऑयल की डाली है जो अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे जी कैसे बनाते हैं। पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए लहसुन जो हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जो मैंने मेथी ली है वो डालेंगे, जीरा भी डाल देंगे, अजवाइन वो भी डाल देंगे, काली मिर्च वो भी डाल देंगे, और अब हम इसमें अदरक डालेंगे। देखिए हमारे प्याज भी थोड़े से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर के लिए हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें जो मैंने दही और बेसन को मिक्स किया है वो डाल देंगे।
और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी डाल देंगे। ये देखिए जो आलू हैं हम उसको थोड़ी देर बाद डालेंगे कि जो आप इसमें साबते ही नजर आए, और हम इसे आधे पौने घंटे के लिए अच्छे से पकने देंगे कड़ी को, और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे जो हमारी जो कड़ी नीचे ना लगे। अब हम इसे ढककर रख देते हैं। हमारी कप देखिए जो कड़ी को उबाल आने लगा है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। और जो मैंने इमली भिगो कर रखी थी उसमें अच्छे से भून लिया है, उसका पानी भी डाल देंगे। इमली का पानी डालने से कड़ी का टेस्ट जो है वो और बढ़ जाता है। जो अमचूर है अब उसको हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब हम इसे ढककर रख देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आधे पौने घंटे के लिए हमें इसे अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे और जो हरी मिर्च मैंने काट कर रखी थी वो भी डाल देंगे। अब हम 10 मिनट तक हमारी कड़ी है जो बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के लिए हम ढक कर रख देते हैं इसे। ये देखिए हमारी जो आलू डालकर कड़ी बनकर तैयार है अच्छे से। आलू है जो हमारी वो भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गैस को बंद। ये करछी पर मैंने एक चम्मच घी का लिया है, ये देखिए। और इसमें हम ये जो दो बड़ी लाल मिर्च है वो डाल देंगे। इससे क्या है जो कड़ी का जायका और बढ़ जाता है। इसमें थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, ये देखिए। अब हम सब करेंगे। जी देखिए हमारी जो कड़ी बनकर तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे जो मैंने लाल मिर्च। और धनिया भी डाल देंगे। हमारी जो आलू डालकर कड़ी बनकर तैयार है, आप भी इसे घर पर ट्राई करें। आप इसे चपाती के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।